हेलो। तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें इजीली गियर्स कैसे चेंज करने हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम बाकी गियर्स आसानी से चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमको सेकंड से थर्ड गियर जाने में और फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। उसके लिए कौन सा आसान तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, गियर शिफ्ट करते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें हमारा जो क्लच पेडल है वो हमें पूरी तरीके से अंदर दबाना है, और हमें गियर हमेशा लेफ्ट हैंड से शिफ्ट करना है। और जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तब हमारा राइट वाला हैंड जो है वो स्टेयरिंग के ऊपर ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे न्यू ड्राइवर्स होंगे उन्हें भी समझने में आसानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर है फर्स्ट गियर, यहाँ पर है उसके बराबर से नीचे सेकेंड, यहाँ पर है बीच में ऊपर थर्ड, और उसके बराबर से नीचे है फोर्थ, और यहाँ पे राइट साइड में है फिफ्थ गियर, और उसके बराबर से नीचे है रिवर्स गियर, और जहाँ पर अभी हमारा गियर है वो है न्यूट्रल। और जो न्यूट्रल में जहाँ पर हमारा गियर रहता है वो बराबर से फोर्थ और थर्ड के बीच में ही रहता है। इसके ऊपर थर्ड है और इसके नीचे बराबर से फोर्थ है। अगर आप गियर को कहाँ से भी छोड़ोगे तो वो बराबर से बीच में न्यूट्रल में आकर खड़ा हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब हम सेकंड से थर्ड में और फिफ्थ से फोर्थ में लेने जाते हैं, तब वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। अगर दोस्तों हमें फर्स्ट गियर डालना है तो क्या करना है, हमारी जो पाम की फेसिंग है वो राइट की तरफ रखते हुए प्रेशर राइट की तरफ देना है, और हल्के से ऊपर की तरफ ऐसे ढकेल देना है। दोस्तों, आप जितना जोर लगाओगे उतनी ही आपको परेशानी होगी गियर चेंज करने में, इसलिए बिल्कुल आसानी से हमें ये गियर शिफ्ट करना है। हमें सही जगह पर सही प्रेशर लगाना है। तो ऐसे ही कुछ सेकंड गियर में आते हुए पूरी तरह क्लच अंदर दबाकर हमें ऐसे ही उसे राइट की तरफ प्रेशर देते हुए ऊपर से नीचे ले आना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेकंड से थर्ड गियर में हमें गियर शिफ्ट कैसे आसानी से करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं फर्स्ट से छोड़ूंगा तो वो बराबर न्यूट्रल में आ जाएगा थर्ड और फोर्थ के सामने, अगर मैं फिफ्थ से छोड़ूंगा फिर भी वो वहां पर ही आ जाएगा, या फिर मैं किसी भी गियर से छोड़ू तो वो वहां पर ही आकर खड़ा हो जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल हमें करना है गियर शिफ्टिंग करते हुए। हमें सेकेंड गियर निकाल देना है, लेफ्ट की तरफ प्रेशर देते हुए आराम से निकाल देना है, और जहां पर गियर आ जाता है वहां से तुरंत हमें ऊपर कर देना है। इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ इस तरीके से ऐसे लेफ्ट में प्रेशर देकर सेकेंड गियर निकालो और जहां पर आ जाएगा वहां से तुरंत ऊपर कर दो, और फोर्थ गियर भी बराबर थर्ड गियर के नीचे ही रहता है वो भी हमें आराम से शिफ्ट कर देना है, और फिफ्थ गियर में भी हमें आराम से फोर्थ गियर निकाल देना है, और हमारी पाम की जो फेसिंग है वो राइट की तरफ रखते हुए प्रेशर भी राइट की तरफ देना है और आराम से ऊपर ढकेल देना है। से फोर्थ में लाते वक्त भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, राइट की तरफ प्रेशर देकर गियर ऐसे निकाल दो और जहां पर वो आ जाता है वहां से तुरंत ऐसे नीचे कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्यूटोरियल कर कर देखते हैं। गियर लगाना दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हमें सही दिशा में और सही तरीके से उसे हैंडल करना पड़ता है। हमें गियर को सही दिशा में ढकेलना है और सही जगह पर ताकत लगानी है। कुछ इस तरीके से ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक निकाला, तभी मैं गाड़ी निकाला। और अभी एक हाथ मेरा स्टीयरिंग पर रहेगा और दूसरा गियर के बाद ऐसे ही लेफ्ट की तरफ प्रेशर देते हुए मैं नीचे लूंगा, और धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और एक्सीलेटर दबाऊंगा, और थर्ड के वक्त भी वैसे ही लेफ्ट की तरफ प्रेशर देकर निकालूंगा, और जहां पर आ जाएगा वहां से तुरंत ऐसे ऊपर कर दूंगा। और फोर्थ का भी वैसे ही उसके थर्ड के बराबर से ऐसे नीचे आराम से ढकेल दूंगा पूरी तरीके से क्लच अंदर दबा कर। और फिफ्थ का भी वैसे ही गियर निकाल दूंगा और ऐसे पूरी राइट में कर ऐसे ऊपर आराम से कर दूंगा। गियर उतारते भी वैसे ही फिफ्थ के बाद फोर करते वक्त स्पीड कम हो करने के बाद हमें राइट की तरफ प्रेशर देते हुए निकाल देना, और जहां पर आता है वहां से तुरंत ऐसे नीचे कर देना है। और थर्ड लेते भी वैसे ही थोड़ी स्पीड कम कर दो, एक क्लच दबाओ और तुरंत ऐसे ऊपर कर दो। सेकंड लेते वक्त भी वैसे ही क्लच दबाओ पूरी तरीके से, और गियर निकाल कर पूरी तरह लेफ्ट में ले जाकर ऐसे नीचे कर दो, और वैसे ही ऊपर फंस गया।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट वीडियो के लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आते रहता हूँ। और दोस्तों हमेशा गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी चलान भी कटने लगा है और ट्रैफिक रूल्स हमारे ही सेफ्टी के लिए होते हैं। और हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।